प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है। फूड पॉइजनिंग से 2 बच्चों की मौत हुई है, 5 बीमार हुए हैं। सभी बच्चे एक ही परिवार के सदस्य हैं। खाना खाने के बाद उल्टी, दस्त और जी घबराने की शिकायत हुई। 7 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घंटाली में भर्ती करवाया गया। 4 बच्चों की हालत गंभीर होने पर जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। उपचार के दौरान 2 बच्चों की मौत हो गई तो वहीं 2 की हालत गंभीर है। परिवार के सदस्यों ने खाई थी पिछले साल सुखाई भिंडी से बनी सब्जी। आपको बता दें कि परिवार के सदस्यों ने खाई थी सुखाई भिंडी से बनी सब्जी। घंटाली थाना क्षेत्र के मांडव जेल गांव का पूरा मामला। घंटाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है। फूड पॉइजनिंग से 2 बच्चों की मौत हुई है, 5 बीमार हुए हैं। सभी बच्चे एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। खाना खाने के बाद उल्टी, दस्त और जी घबराने की शिकायत हुई। 7 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घंटाली में भर्ती करवाया गया है। 4 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है तो वहीं 4 बच्चों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। उपचार के दौरान इनमें से 2 बच्चों की मौत हो गई तो वहीं 2 की हालत गंभीर है। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए बेहद दर्दनाक ये पूरी घटना जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई है, तो वहीं बाकी बच्चों की स्थिति कैसी इस वक्त, जरा वो भी बताइए। आयुष ही बता दूं कि ये मामला जो है बेहद सुदूर आदिवासी अंचल का है। घंटाली थाना क्षेत्र के नालपाड़ा गांव के जो बच्चे हैं 4, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई थी, जिनको जिला चिकित्सालय रेफर किया गया था। आज इनमें से 2 साल के मासूम ललित और 6 साल के छोटू की मौत हो चुकी है और 2 बच्चे अभी भी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। इस परिवार के 3 और बड़े थे जिनको भी घंटाली स्वास्थ्य केंद्र से प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। बिल्कुल संजय, और देखिए अपने आप में जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती है तो कई सवाल भी उठ जाते हैं, तो ऐसे में डॉक्टर्स का क्या कहना है? डॉक्टर्स इस मामले में बता रहे हैं कि बच्चों की हालत जो है वो गंभीर है और इस तरह के जो मामले हैं जो फूड पॉइजनिंग के होते हैं तो लोगों को जो इस मौसम में खासतौर पर गर्मी के मौसम में जो बासी चीजें होती है, जो पुरानी चीजें होती है, उनको खाने से परहेज करना चाहिए। और इस मामले में यही सामने आया है कि इस परिवार ने जो पिछला बारिश का दौर था उस समय सुखाई गई भिंडी सब्जी बनाने के काम में ली थी और उसी भिंडी को खाने के बाद इस परिवार के 7 सदस्यों को उल्टी, दस्त और जी मचलाने की शिकायत हुई और यह हादसा हुआ है। बिल्कुल संजय, जब इस तरीके से सब्जियों को सुखाया जाता है एक प्रोसेस होता होगा उसको अपनाने का, पर अब ये जो भिंडी इन्होंने उपयोग में ली, 1 साल बाद उपयोग में ली, तो ऐसे में क्या ये सही रहता है? डॉक्टर्स का क्या कहना है इसको लेकर के? डॉक्टर्स का इस मामले में साफ तौर पर यही कहना है कि इस तरह के जो व्यंजन होते हैं या पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको परिवार के किसी भी लोगों को या जो विक्रेता है उनको इस तरह के बेचने या खाने या बनाने पर पूरी तरह से परहेज करना चाहिए ताकि इस तरह के जो हादसे हैं वो नहीं हो। कारण ये रहता है कि इतनी पुरानी जो चीजें रहती है वैसे भी जो। चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।